असलम एवरी वन वेलकम टू माई YouTube चैनल आज की वीडियो में आपके साथ मैं रिबॉन्डिंग का तरीका शेयर करूँगी मेरे पास दो इस टाइम ये क्रीम्स मौजूद हैं एक है जी फ्रमेजी ब्रांड की और दूसरी है क्यूने की ठीक है इन दोनों का काम बालों को स्ट्रेट करना है परमानेंट स्ट्रेटनिंग करती हैं और इनको रिबॉन्डिंग भी बोला जाता है और स्ट्रेटनिंग सिस्टम भी बोला जाता है एक्सटेंसो भी यही होती है और जो कैराटीन है वो डिफरेंट होता है ठीक है ये है रिबॉन्डिंग ये वर्जन हेयर्स पे की जाती है जिनके बालों में केमिकल नहीं लगा होता केमिकल वाले बालों में कलर ट्रीटेड बालों में हम ये रिबॉन्डिंग नहीं करते ठीक है अगर अब जिस जिसने भी मेरी वीडियो देख घर में रिबॉन्डिंग की है तो मैंने वीडियो में अपनी पुरानी वीडियोस में भी डिटेल में बताया है कि इसको करने का मेथड क्या है कितनी एहतियात के साथ करनी चाहिए और इसको कितना टाइम देना है क्रीम्स को ठीक है तो फिर भी मुझे कमेंट्स में कुछ मैसेजेस आए हैं जिनमें मुझे कहा गया कि जी हाँ हमने बालों में ये एप्लीकेशन की थी लेकिन हमारा ठीक से रिबॉन्डिंग का रिजल्ट नहीं आया ये दोनों ब्रांड्स जो फमेजिया और क्यूने इन दोनों के रिबॉन्डिंग का रिज़ल्ट हंड्रेड आता है सही तरीके से की हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है हेयर फॉल नहीं होता हेयर डैमेज नहीं होते हैं और बल्कि बालों में शाइन आ जाती है और बाल हंड्रेड परसेंट स्ट्रेट हो जाते हैं ठीक है दोनों का मेथड सेम है एप्लीकेशन का मेथड सेम है अब हमारी गलती कहाँ पे होती है कि हमने जब फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन करनी है तो हमने उसका टाइम नोट करना होता है ठीक है मैंने बार बार अपनी वीडियोस में भी कहा है कि हमने टाइम पे फोकस रखना है क्योंकि हमें ये जब मटेरियल लगा देते हैं तो हमने फिर टाइम के हिसाब से चलना होता है पंद्रह से बीस मिनट में ये क्रीम्स का काम जो है ना, वो हो जाता है मतलब कि ये अपना काम कर देती हैं 15 से 20 मिनट में ये क्रीम्स तो जब हम फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन करते हैं जो इसकी मेन रिबॉन्डिंग की क्रीम होती है जिससे हम बॉन्ड को तोड़ने के लिए बालों के जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे पहली एप्लीकेशन की जाती है मेन काम उसी क्रीम का होता है तो जब हम वो क्रीम को एप्लीकेशन करते हैं और बैक से लगाना स्टार्ट करते हैं तो हमने वो टाइम नोट कर लेना है कि हमने कितना टाइम दे दिया है बैक साइड को ठीक है अगर 10 मिनट गुजर गए उसके बाद हमने हेयर को चेक करना शुरू करना है अगर बालों में इलास्टिक सिटी आ गई है बाल खींच कर लंबा हो रहा है मतलब कि आप बालों को खींचिए और वो उसी पोजीशन में खींचता चला जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिबॉन्डिंग हो गई है तो आपने उस हिस्से को वेट कर देना है और अगले बालों में क्योंकि बाद में क्रीम एप्लीकेशन होती है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है सारा काम इसमें टाइमिंग का है और आपने इस क्रीम को लगा के बैठना नहीं होता इजी नहीं होना होता आपने बार बार बालों को चेक करना होता है जैसे ही आपके क्रीम काम कर दे दें को गीला कर दें अच्छा जी अगर आपके बैक की टाइमिंग कंप्लीट हो जाए बैक पे मतलब क्रीम का काम हो जाए तो फिर आपने फ्रंट वाले एरिए को ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि मैं बैक से ये लगाना स्टार्ट करती हूँ क्रीम तो जो फ्रंट वाली साइड है वहाँ पे आते आते हमें थोड़ा टाइम हो जाता है आपने फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन करनी है पंद्रह से बीस मिनट उसको टाइम देना है ठीक है जब उसका टाइम पूरा हो जाए आपने हेयर वॉश करने है सिर्फ पानी से वॉश करने हैं फिर उसके बाद आपने हेयर को ड्राई करना है फिर आपने छोटे छोटे सेक्शन लेके आपने बालों को अच्छी तरह से स्ट्रेट कर लेना है स्ट्रेटनिंग के बाद आपने इसका न्यूट्रलाइजर लगाना है अगर आपने बीस टीम बीस मिनट दिए हैं फर्स्ट क्रीम को तो आपने दस मिनट देने हैं न्यूट्रलाइजर को ठीक है और उसके बाद फिर आपने जब न्यूट्रलाइजर लगा देना है उसका टाइम पूरा हो जाए तो आपने उसको भी हेयर वॉश करने हैं और उसके बाद आपने ड्राई करने और स्ट्रेट कर देने हैं और हमने दो दिन की एहतियात करनी होती है इसके बाद ना आपने हेयर वॉश करने होते हैं ना आपने बालों में पोनी लगानी है बाल बांधने नहीं हैं और कोशिश रखें बालों को स्ट्रेट रखें दो दिन बाद हेयर वॉश करें हेयर वॉश करें किसी भी अच्छे शैम्पू से हेयर वॉश कर लें उसके बाद आप कोई भी अच्छा सा मास्क अप्लाई कर लें या कंडीशनर अप्लाई करें और हेयर वॉश कर लें ठीक है हंड्रेड परसेंट आपको स्ट्रेटनिंग मिलेगी और बहुत अच्छी स्ट्रेटनिंग आती है इन दोनों क्रीम्स की वीडियोज़ डिटेल में मेरे चैनल पर मौजूद हैं और इसके अलावा भी अगर आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर पूछें मैं इंशाल्लाह उनका रिप्लाई करूंगी और मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़